अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल बेटा। और आज हमारे पास जो हमारे टॉपिक का नाम है बेटा, दैट इज़ गोइंग टू बी, हमने बेटा यूनिट 4 में जो पाकिस्तान एंड द नेशनल प्राइड है, इसका बेटा हमने पार्ट 1 पढ़ना है बेटा। इसके अंदर हम लोग ग्रेट विजनरीज का जो चैप्टर है हम ये पढ़ेंगे, अ चाइल्ड इम्प्लिकेशन ये पोम बेटा ये भी हम पढ़ेंगे, एंड अ माउंटेन एंड स्क्वायर बेटा ये भी हमने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इसके हमने रीडिंग एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे। तो बेटा हम शुरुआत करते हैं अपने पास अपने चैप्टर की, क्या लिखा है आप देखो जरा। द टीचर असाइंड द क्लास अ प्रोजेक्ट फॉर द समर वेकेशन टाइटल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कायदे आजम एंड अल्लामा इकबाल। द टू ग्रेट विजनरी लीडर्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट दे वर आस्क्ड टू डेवलप अ बुकलेट अ न्यूज़पेपर एडिशन और एनी अदर फॉर्म ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। द मेंबर्स ऑफ वन ऑफ द ग्रुप्स डिसाइडेड टू स्प्लिट अप द इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टास्क। हुमा एंड ताहिरा ऑफर टू लुक अप इन्फॉर्मेशन ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ जिनास लाइफ व्हाइल लुबना एंड फरीन एग्री टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट इकबाल। दे डिसाइड टू शेयर द इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर थ्रू ई मेल्स या व्हाट्सएप ऑफ देयर ई मेल्स। बोलने के भाई टीचर ने ना एक क्लास का प्रोजेक्ट रखा और उस प्रोजेक्ट का नाम था भाई क्या, कि द इन्फॉर्मेशन अबाउट कायदे आजम एंड अल्लामा इकबाल। ये जो दो बड़े लीडर्स गुजरे हैं पाकिस्तान के, उनसे कहा गया कि आपने एक बुकलेट वगैरह के तौर पर या न्यूज़पेपर के एडिशन के तौर पर आपने क्या करना है, इसको डिज़ाइन करना है और विजुअली प्रेजेंट करना है। फिर आपने फिर कहने के जो एक ग्रुप था ना उसके अंदर हुमा और ताहिरा ने क्या किया, एक ग्रुप में से जो मतलब लड़कियाँ थीं इन दोनों ने कहा कि हम जो है जिना के बारे में लेकर आएंगे, और फिर उसी ग्रुप के जो दो दूसरे मेंबर थे लुबना फरीन ने कहा हम अल्लामा इकबाल के बारे में लेकर आएंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और क्योंकि समर वेकेशन थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग आपस में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करेंगे वो अपनी ईमेल के जरिए करेंगे, सही। अच्छा, अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा बेटा हमारे पास, लेट्स सी। अच्छा देखो, ये बेटा आपके पास था इस तरह बुक में लिखा हुआ भी होगा, लेकिन हमने इस पर फोकस नहीं करना, ठीक। हम बस ये देख सकते हैं कि हाँ भाई ये ताहिरा ने लिखी थी, ये हुमा हुमा को लुबना को फरीन को कर रही थी, 11 जून से शुरुआत हुई। अभी हम बात करेंगे स्टार्टिंग में किसके बारे में, कायदे आजम के बारे में शुरुआत करें, ठीक है। क्या लिखा हमारे पास देखो, डियर हुमा हियर सन सम इन्फॉर्मेशन आई फाउंड अबाउट द कायदे आजम पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट। बोल रही भाई देखो हुमा, ये मतलब ताहिरा बोल रही है हुमा को, देखो हुमा मैंने ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है कायदे आजम के बारे में, तो ना पहले ज़रा इसको हम देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब ज़रा देखते हैं बेटा क्या लिखा हमारे पास, लेट्स सी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना वॉज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पर्सनैलिटीज ऑफ साउथ एशिया। हिज हिज मैसेज ऑफ यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन एंड हिज डिटर्मिनेशन एंड स्टेडफास्टनेस इट मेड द गाइडिंग प्रिंसिपल बाय द नेशन इफ मेड बाय द गाइडिंग प्रिंसिपल बाय द नेशन कैन स्पीडली सेट द नेशन ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। कि भाई जो कायदे आजम है वो मतलब यहाँ की बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी में से एक है साउथ एशिया, और कह रहे हैं उनका जो मैसेज था यूनिटी फेथ डिसिप्लिन का, कह रहे हैं कि एक ऐसा है कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल वगैरह हैं वहाँ के अगर लोग फॉलो करें तो बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक। अच्छा भाई आगे लिखा हमारे पास क्या, कि ही वॉज वन ऑफ द टॉप बैरिस्टर ऑफ बॉम्बे बट हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट विच इज़ अनपैरेलल्ड इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कह रहे हैं कि वो टॉप के मतलब कि वहाँ पे क्या गुजरे हैं, जैसे बोलते हैं ना बेटा आप लोग वकील गुजरे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उनकी जो अचीवमेंट जो कामयाबी उन्होंने हासिल करी है बेसिकली, जिसका कोई हमको मतलब दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती, वो ये है कि पाकिस्तान की क्रिएशन। द वर्ल्ड हैज सीन मैनी लीडर्स हु हैव ऑब्टेन्ड इंडिपेंडेंस फॉर देयर पीपल फ्रॉम द अनडिजायर्ड रूलर्स बट फ्यू हैव अचीव व्हाट द कायदे आजम डिड। ही क्रिएटेड अ न्यू कंट्री, ही लेट द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अचीव एन इंडिपेंडेंट स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान वेयर दे कुड लिव ऑनरेबली अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ देयर फेथ एंड कल्चर। बोल रहे हैं कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या किया, आज़ादी हासिल करी मतलब, लेकिन कह रहे हैं कि गिनती के कुछ लोग ऐसे गुजरे होंगे जिन्होंने एक नया मुल्क बनाया। आप बोले सर नया मुल्क बनाया क्या मतलब बेटा, इसका मतलब ये है कि देखो असल में ना पाकिस्तान तो था ही नहीं, यहाँ तो था ही इंडिया, और इंडिया में से एक अलग मुल्क बनाना ये काम किया था कायदे आजम ने, ठीक है। क्योंकि आज़ादी जो मिली है ना वो वहाँ के हिंदुओं को मिली है, जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं ना उनको आज़ादी मिली है, क्योंकि इंडिया पहले से था, वहाँ से उन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों को भगाया, लेकिन पाकिस्तान तो था ही नहीं, पाकिस्तान को बनाया, ठीक है ना। अच्छा भाई फिर क्या लिखा हुआ, कह रहे हैं कि और फिर ये मुसलमानों को वहाँ पर लेकर आए जहाँ पर मुसलमान जो आराम से सुकून के साथ अपनी लाइफ वगैरह गुजार सकें अपने कल्चर वगैरह के मुताबिक, ठीक। ये ताहिरा ने लिखी, अब बेटा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है अगली हमारे पास ईमेल। अब ये बेटा जो ईमेल है ये हुमा कर रही है ताहिरा वगैरह को कर रही है, ठीक है। तो क्या लिखा है, लेट्स सी हमारे पास। ताहिरा हियर इज सम मोर इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन ऐड इन दिस सेक्शन। मोर ओवर मोहम्मद अली जिना वॉज द ओनली लीडर इन ब्रिटिश इंडिया हु वॉज पॉपुलर नॉट ओनली अमंग द मुस्लिम बट ऑल्सो हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट अमंग द पीपल ऑफ द अदर फेथ्स इंक्लूडिंग हिंदूज क्रिश्चियन सिख्स एंड पारसीज ड्यू टू हिज टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल फेथ्स। सम हिंदू लीडर्स लाइक गुखाले एंड फेमस हिंदू पोइट सरोजनी नायडू कॉल्ड हिम द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी।
अच्छा अब ये ना हुमा बोल रही ताहिरा कि मुझे ना कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मिली है कायदे आजम के बारे में, तुम चाहो तो ऐड कर लो ये सेक्शन में। तो बोली कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना वो एक बड़े एक ऐसे लीडर थे, वाहिद ऐसे लीडर थे जो कि पॉपुलर थे सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि जो दूसरे मजाहब के लोग थे उनके लीडर्स में भी उनकी बड़ी इज्जत थी, मतलब बहुत उनको सराहा जा रहा था। कह रहे हैं क्योंकि ये तमाम मजहब के लोगों को मतलब कि इक्वली तौर पर ट्रीट किया करते थे, बेसिकली तौर पर कि हर किसी को बराबरी का मतलब इंसानियत हर किसी के साथ होनी चाहिए, मतलब किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं यही वजह थी कि जो उनको कुछ लीडर्स थे वहाँ के बाकायदा क्या बोलते थे, द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मतलब अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की अगर आपने प्रमोट करना है ना तो इससे बेहतरीन बंदा कोई नहीं है आपके लिए। ठीक, अब बेटा ये हुमा ने लिखी थी, अब देखते हैं अगले ई मेल क्या आ रही है हमारे पास। लिखा हुआ है ये फरहीन ने बेटा हुमा वगैरह बाकी दो लड़की बाकी जो टोटल तीन लड़कियां हमको करी। अब क्या लिखा हुआ है, हुमा एंड ताहरा यू माइट वॉन्ट टू ऐड दिस वाइटल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दिस सेशन, के भाई ये ना फरहीन बोल रही कि हुमा ताहरा तुम लोग ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ, ये चाहो तो तुम लोग ऐड कर लो अपने पास उस जगह पर। ठीक है, अच्छा भाई क्या है, हाउ एवर ही वॉज क्लियर अबाउट वन थिंग, वाइल पाकिस्तान वुड बी अ स्टेट वेयर द मुस्लिम्स वुड बी फ्री टू प्रैक्टिस द टीचिंग ऑफ देयर फेथ एंड टू प्रॉस्पर इकोनॉमिकली, दिस इज इन नो वे मैन दैट द अदर द पीपल ऑफ द अदर फेथ लिविंग इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ दिस न्यू स्टेट वुड इन एनी वे बी लेस अ सिटीजन। कह रहे हैं कि भाई कायदे आजम ने एक बात तो क्लियर कर दी कि ये जो मुल्क है पाकिस्तान ये बिल्कुल मतलब मुसलमानों के लिए बनाया गया कि जहाँ पर ये प्रॉपरली तौर पे अपने मजहब के मुताबिक अमल कर सकें ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन कह रहे हैं उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी वो ये कि इसका हर किसी मतलब नहीं है कि दूसरे मजहब के रहने वाले जो लोग हैं उनको वो कोई ज़्यादती होगी बल्कि उनको भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही दर्जा मिलेगा जो पाकिस्तानी होने का जो एक सिटीजन होने का राइट होगा। ठीक, आगे का लिखा हुआ है ये फरीन ने लिखी थी ईमेल। अगली ईमेल क्या आ रही है बेटा हमारे पास, देखो ये अब ना ताहिरा लिख रही है, थैंक यू हुमा आई एग्री विद यू नाउ हियर सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, के बोल रही कि हाँ भाई हुमा थैंक यू मैं तुमसे एग्री करती हूँ और ये ना और इन्फॉर्मेशन उनके बारे में क्या है, पॉलिटिकल एक्यूमन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इनिशियली कायदे आजम वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड एंड एन एक्टिव मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर ही वेरी सून सेंस दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज लीडिंग द हिंदूज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टूवर्ड्स हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, दिस रियलाइज वुड रिजल्ट इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन द रीजन, देयर फोर ही डिसाइड टू लीड द कांग्रेस एंड ज्वाइन द मुस्लिम लीग। कहने स्टार्टिंग में कायदे आजम जो थे मतलब के बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को और कांग्रेस के मतलब के बहुत इंडियन नेशनल कांग्रेस के मतलब के वो बड़े एक्टिव मेंबर थे, लेकिन क्योंकि वो बड़े बेहतरीन किस्म के लीडर थे तो उन्होंने बहुत जल्दी ये बात सेंस कर ली कि भाई असल में ना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो तो काम ही सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रही है, मतलब उनका जो टारगेट है वो तो काम क्या है, सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करना, मुसलमानों के लिए तो काम करना है ही नहीं। और फिर कायदे आजम को एक बात का एहसास हुआ कि यार अगर ऐसा चलता रहा तो ये तो उस पूरी जगह पर बर सग़ीर में जो पूरी इतने बड़े मुसलमानों की तादाद जो यहाँ मौजूद है उनके साथ तो बड़ा जुल्म होगा। खैर इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे और फिर बाद में उन्होंने क्या किया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। आगे लिखा हुआ क्या, सून आफ्टर ज्वाइनिंग द मुस्लिम लीग ही बिकेम इज प्रेजिडेंट, ही वेरी इंटेलिजेंटली प्लीडेड द केस ऑफ द सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स एंड सक्सीडेड इन गेटिंग पाकिस्तान, दिस वॉज डिस्पायर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ द टू बिग पावर प्लेयर्स इन ब्रिटिश इंडिया द रूलिंग ब्रिटिश एंड द मेजोरिटी हिंदूज, हैव यू साउंड सम मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा आगे क्या बोलने कि मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के बाद ना बहुत जल्द ही वो उस पूरी पार्टी के प्रेजिडेंट बन गए, बहुत उन्होंने मतलब कि जहानत के साथ उन्होंने क्या किया एक केस रखा अपना मुसलमानों के लिए कि उनको एक अलग मुल्क होना चाहिए ताकि और पाकिस्तान को बनाने में कामयाब भी हुए। कह रहे हैं कि ये आप इससे आइडिया लगाइए कि ये ना जो दो बड़े बड़ी जो मुखालिफत थी ना मतलब ब्रिटिश इंडिया में मतलब इंडिया में एक तो वो अंग्रेज़ जो हुकूमत कर रहे थे और इसके साथ साथ फिर वो हिंदूज जो तादाद में ज़्यादा थे और इन दोनों के अगेंस्ट जाके ये मुल्क बनाना ऑब्वियसली बात है बेटा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। अच्छा आएगा लिखा हमारे पास देखते हैं, अब ना ये पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट की बात कर रहे हैं कायदे आजम की, तो क्या लिखा हुआ, थैंक यू फरीन वी विल डेफिनेटली ऐड दिस नाउ हियर इज़ द विजन दैट कायदे आजम हैड फॉर पाकिस्तान, कि भाई थैंक यू फरीन ये और ना कायदे आजम का विजन ये था पाकिस्तान के बारे में। क्या लिखा हुआ है, कायदे आजम इन्विशिट पाकिस्तान एज द नेशनल स्टेट इंश्योरिंग इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, ऑन अगस्त 11, 1947 द कायदे आजम ऑन हिज इलेक्शन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्ड, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वी आर स्टार्टिंग द डेज व्हेन देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अनदर, वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट वी आर ऑल सिटीजन एंड इक्वल सिटीजन ऑफ वन स्टेट। अच्छा अभी क्या लिखा हुआ है कि कायदे आजम ने ना मतलब कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो मतलब आज़ाद होने से पहले मतलब कि जो असेंबली थी जो जिनका काम था कि कानून साजी करना जिनका काम था बेसिकली तौर पे
उन लोगों से बात कर रहे थे, ठीक है, उन लोगों से बात करते हुए डिस्कस कर रहे थे कि ताकि ना क्लियर चीज़ें हो सकें सारी की सारी। तो भाई अब ज़रा देखते हैं कि हमारे पास बात करके आ रहे थे, बोल रहे थे कि भाई आप लोग अदा दें, आप लोग चाहे अपने मंदिर जाइए, अपनी मस्जिद जाइए, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप जो करना चाहें मतलब कर सकते हैं, आपको खुली आज़ादी है अपने मतलब के आप फॉलो करें। और कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर एक दूसरे से कोई बढ़तर नहीं है, और हम ये इसी बात के ऊपर काम करते हैं कि हम सब के सब इक्वल सिटीजन हैं एक एक रियासत के। ठीक, आगे लिखा हुआ क्या कि ही ऑल्सो वॉन्टेड पाकिस्तान टू बी द स्टेट वेयर जस्टिस एंड मेरिट प्रिवेल्ड, ही वॉन्टेड द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू बी इंटर यूनाइटेड एंड टू वर्क टूवर्ड्स मेकिंग दिस न्यू कंट्री एन एग्जाम्पलरी स्टेट। ही सेड माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटी, एंड आई एम श्योर विद योर सपोर्ट एंड कॉपरेशन आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को ये भी देखना चाहते थे कि यहाँ पर ना मेरिट की बेस से मतलब कि जो बाकी में जो डिजर्व करता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ वो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो है ना आगे बढ़े और दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। कह रहे हैं उन्होंने कहा कि मेरे जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं आप लोगों के लिए वो ये होंगे कि जस्टिस और कंप्लीट इम्पार्शियलिटी, मतलब इंसाफ हो, और मतलब वो नहीं हो कि एक बंदे के लिए कोई अगर अपना करीबी बंदा है तो उसको थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करो, नहीं, बिल्कुल सब, बिल्कुल सबको सेम करना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट होगा तो मैं जो है दुनिया में पाकिस्तान को एक दुनिया का बहुत बड़ा एक मुल्क बनता हुआ देख सकता हूँ, ये कायद ने कहा था। अलास दिस ग्रेट लीडर हैड टू लीव दिस वर्ल्ड बिफोर ही कुड ट्रांसफॉर्म हिज आइडियल्स इनटू प्रैक्टिकल स्टेप्स। इट इज़ नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेट द फ्यूचर डायरेक्शन फॉर दिस ग्रेट कंट्री बाय इम्प्लीमेंटिंग द कायद विजन फॉर पाकिस्तान। इफ़ वी ट्रूली वॉन्ट टू पे होमेज टू आवर ग्रेट कायद वी शुड ट्राई एंड डू द थिंग्स वॉन्टेड अस टू डू एंड नॉट मेयरली प्रेज वॉट ही डिड। ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे वी शुड थिंक ऑफ वॉट वी नीड टू डू टू टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड ऑन द वे टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। कह रहे हैं कि भाई लेकिन अफसोस के साथ ये जो लीडर थे ये हमें बहुत जल्दी दुनिया से छोड़ के चले गए, और हम वो अपना उन्होंने अपना तो आज़ादी तो हासिल कर ली लेकिन वो बाकी चीज़ों को होता हुआ देख ना सके। और कह रहे हैं कि अब हम पर ये जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, क्या क्या आदम के अगर जो इन कोशिशों को अगर सराहने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये वो तमाम काम करने चाहिए जो वो मैसेज वगैरह देकर गए हैं। ठीक, अच्छा आएगा लिखा बेटा हमारे पास, ताहिर आई थिंक वी नाउ हैव इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट कायद आजम, लेट्स सी व्हाट लुबना एंड फरीन फाइंड अबाउट अल्लामा इकबाल, वी विल देन मीट एंड डिसाइड हाउ टू प्रेजेंट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, बेस्ट विशेस सुबह। बोलती है ताहिरा, बोलती है कि भाई ताहिरा, हम बोल रही ताहिरा कि मेरे ख्याल से हमने ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कायद आजम के बारे में, चलो देखते हैं कि लुबना फरीन ने अल्लामा इकबाल के बारे में क्या देखा है, क्या मतलब क्या ढूंढा, और फिर उसके बाद हम मिलकर ना जरा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं। ठीक, अब बेटा यहाँ पर कायद आजम के बारे में तो टाइटल समझ में आ गया, लेकिन अब ना ये शुरू हो रही किसके बारे में बात, ये अल्लामा इकबाल का टॉपिक शुरू हो रहा है। लुबना भेज रही है फरीन, हुमा, ताहिरा वगैरह को भेज रही है, अब क्या बोल, डियर फरीन, ठीक, क्योंकि बेटा हमने क्या कहा था, लुबना फरीन को टाइटल मिला था, क्या बोलिए, नाउ दैट माई कजन्स वेडिंग इज ओवर आई हैव मैनेज टू फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोइट ऑफ द ईस्ट। कि भाई बोल दिए लुबना, बोल रही फरीन को, फरीन मेरे कजन की जो शादी वगैरह खत्म हो गई है तो मैंने ना अब आखिरकार ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाली है जो शायर मशरक हैं पोइट ऑफ द ईस्ट। क्या लिखा हुआ है, पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट, अल्लामा मोहम्मद इकबाल द पोइट ऑफ द ईस्ट वॉज नो डाउट अ ग्रेट पोइट, बट पोइट्री वॉज ओनली वन ऑफ हिज मैनी एकम्पलिशमेंट्स एकम्पलिशमेंट्स। ही बिगैन हिज प्रोफेशन करियर एज अ प्रोफेसर ऑफ अरेबिक एट द ओरिएंटल कॉलेज लाहौर आफ्टर डूइंग हिज एम ए इन 1899। इन 1905 ही वेंट टू लाहौर टू स्टडी लॉ एंड रिसीव्ड अ लॉ डिग्री। ही जस्ट बिकेम अ बैरिस्टर बाय प्रोफेशन, बट दिस डज नॉट मीन दैट ही गेव अप एवरीथिंग एल्स। This versatile person continued his quest for the knowledge in various fields, and in 1908 he was awarded a PhD degree by the Munich University in Germany for his work on Persian philosophy. That is why he is also known as Dr. Muhammad Iqbal. कह रहे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं शायर मशरक, कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े शायर तो थे लेकिन शायरी तो उनकी एक बहुत सारी जो कुछ उन्होंने दुनिया में मतलब अचीव किया उनमें से एक अचीवमेंट थी। कह रहे हैं उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करी एज अ प्रोफेसर के तौर पर अरेबिक जबान के ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में, जब उन्होंने अपना एमए कंप्लीट कर लिया था 1899 में। और कहने आखिर में फिर उसके बाद जो है 1905 में वो फिर लंदन गए, वहाँ से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल करी और वकील बन गए प्रोफेशन के मुताबिक। लेकिन कह रहे कि उन्होंने इसका ये मतलब नहीं बाकी सब कुछ छोड़ दिया, बल्कि ये इतने वर्सेटाइल थे कि उसके बाद वो इल्म की लगन इतनी ज़्यादा थी उनको हासिल करने की कि उन्होंने बाकायदा 1908 में उनको पीएचडी डिग्री मिली म्यूनिक यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो उन्होंने पर्शियन फिलोसफी भी काम वगैरह किया था। और कहना यही वजह है कि इनको डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। बेटा आपको पता होगा कि शायद कि अगर किसी को पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। ठीक है, रिगार्ड्स लुबना। अब लुबना बेटा ये लिख के ख़त्म किया, आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अब फरीन लिख रही है आगे से, थैंक्स लुबना,
आगे से क्या बोल रही है कि हियर इज द इन्फॉर्मेशन दैट आई फाउंड पॉलिटिकल ह्यूमन कंट्रीब्यूशन अलामा इकबाल ऑल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन द पॉलिटिक्स एंड वर्क फॉर द कॉज ऑफ फॉर द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1926 अ पोस्ट ही हेल्ड टिल 1929 बाय देन ही हैड बिकम डीपली इन्वॉल्व द मुस्लिम लीग एक्टिविटीज ड्यू टू हिज कमिटमेंट इन द कॉज टू द कॉज ऑफ द मुस्लिम्स राइट्स इन इंडिया ही वॉज सून इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द पंजाब ब्रांच ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ पोस्ट ही हेल्ड टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ। कहने अलामा इकबाल ने जो है मतलब कि भाई पॉलिटिक्स में बड़े मतलब बढ़ चढ़ के उन्होंने पार्ट लिया, जैसे कि वो बात कह रहे थे कि सिर्फ सिर्फ शायर नहीं थे ये, बहुत कुछ काम किया उन्होंने। और बोलने के इसके साथ साथ ये पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी इलेक्ट हुए थे 1926 में, जो कि उन्होंने 1929 तक अपने पास इनकी पोस्ट थी। लेकिन कह रहे हैं फिर बाद में ये इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे मुसलमानों की जो आज़ादी की एक्टिविटीज़ वगैरह थी उसमें, और कह रहे हैं उनकी इन्हीं कमिटमेंट की वजह से जो वो प्रेसिडेंट बने किसके मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो पंजाब ब्रांच थी ना, पंजाब का जो ब्रांच थी उसके लीडर ये बन गए। ठीक है, मतलब कायदे आज़म तो ऑल ओवर लीडर थे, लेकिन ब्रांचेस में बेटा मिसाल के तौर पे एक प्रिंसिपल है, अब प्रिंसिपल के अंदर बेटा हमारे पास वाइस प्रिंसिपल भी आते हैं, तो उसके बाद फ्लोर इंचार्ज भी होते हैं, ठीक है, वो भी सारे के सारे देख रहे होते हैं, सबकी सब इन्फॉर्मेशन उनको होती है कम्प्लीटली तौर पर। तो ये वाला मसला होता है कि टास्क को डिवाइड करना आसान होना, तो ये वाला काम किया था उन्होंने। आएगा लिखा हमारे पास वन ऑफ इकबाल बिगेस्ट पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इट इज अलाहाबाद एड्रेस विच ही डिलीवर इन 1930 वैन ही प्रेजाइड ओवर द अलाहाबाद एड्रेस मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इट वॉज ऑन इज दिस हिस्टोरिक ओकेजन दैट ही मेड अ डेफिनेट डिमांड फॉर द सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन साउथ एशिया। कह रहे हैं अलामा इकबाल की जो एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि अलाहाबाद एड्रेस में जो उन्होंने 1930 में डिलीवर किया था, वो अलाहाबाद गए थे मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, और इस कह रहे इस मौके पर आके ना उन्होंने क्या किया, खुलेआम डिमांड करी किस चीज़ की कि हमें एक अलग मुस्लिम रियासत चाहिए साउथ एशिया में। इन इस प्रेजिडेंशियल एड्रेस डॉक्टर इकबाल सेड इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड इज बिलीविंग इन डिफरेंट रिलीजन्स। द मुस्लिम डिमांड टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया इज इन नो वे विदाउट जस्टिस। फॉर माई पार्ट आई वुड लाइक टू गो टू वन स्टेप फर्दर, आई वुड लाइक टू सी द पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध एंड बलोचिस्तान यूनाइट अंडर सिंगल मुस्लिम स्टेट। पर उन्होंने बात करना शुरू करी जब वहाँ पर गए ना अलाहाबाद में, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है एक एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पर लोग रहते हैं और अलग अलग ज़ात के अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, उनके मज़हब अलग अलग हैं। कह रहे हैं इसीलिए अगर मुसलमान इसी जगह पर रहते हुए अगर अपने अलग अलग मुल्क की डिमांड करते तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बेटा आज के दौर पर इसको आप बोलते हो केपी के बोलते हो, ठीक है, सिंध बलोचिस्तान, कह रहे हैं मैं चाहता हूँ कि ये जो सारी की सारी चीज़ें वो क्या हो जाएँ, वो मतलब जो सिंगल मुस्लिम स्टेट है ना मतलब कि वो एक मुल्क बन जाए सारी जगह मिल के। हाउ एवर दिस डिमांड शॉक बोथ द हिंदूज एंड द ब्रिटिश अलाइक एंड दे बोथ अपोज इट। दिस डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स टुक सच फर्म रूट दैट इट एट इट्स मीटिंग इन लाहौर इन मार्च 23 1940 द मुस्लिम लीग पास द रेजोल्यूशन डिमांडिंग सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। दिस रेजोल्यूशन इज नोन एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ऑल द एफर्ट्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस एंड क्रिमिनेटिंग इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑन अगस्त 14 अगस्त 1947। कह रहे हैं कि जब अलामा इकबाल ने जब डिमांड करी ना तो उनको ठीक ठाक मुखालफत का सामना करना पड़ा, जाहिर सी बात है भाई कि लोग आराम से तो मानते ही नहीं, अभी आप खुद समझ सकते हो उनकी इस बात को। तो हुआ क्या भाई कि जब वो नहीं माने तो मुखालफत शुरू करी अंग्रेज़ों ने भी हिंदुओं ने भी, ठीक ठाक खुलेआम मुखालफत करी इनकी। और फिर कह रहे हैं कि उनकी इस डिमांड से ना लोग शॉक भी बहुत हुए कि ये किस तरह से हुआ। लेकिन कह रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ ये डिमांड ऐसी मजबूत होती चली गई, लोगों के दिलों में ऐसी बैठ गई कि आखिरकार वो फिर उसका रिजल्ट क्या निकला कि 14 अगस्त 1947 में आखिरकार पाकिस्तान वजूद में आया। ये फरीदिया लिखी थी बेटा, आगे क्या लिखा हमारे पास अलामा इकबाल के बारे में। मोर ओवर ही हैड क्लियर आइडियाज अबाउट वॉट मुस्लिम शुड डू एस्पिरेशन ऑफ मुस्लिम तुमर एंड फरीन बोथ ऑफ यू हैव कलेक्टेड एक्सलेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अलामा इकबाल। वाइल वी ऑल नो दैट वॉट द कायदे आजम डिड वी ऑफन डू नॉट एग्जैक्टली रिकॉल द रोल ऑफ अलामा इकबाल इन द क्रिएशन। अच्छा भाई क्या लिखा भाई, पहले बोल रही है ये तब ताहिरा बोल रही है लुबना फरीन को, लुबना फरीन तुम दोनों ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है अलामा इकबाल के बारे में, क्योंकि हमको ये तो पता होता है कायदे आजम ने क्या किया, लेकिन हमें ना ये बात पता ही नहीं होती कि अलामा इकबाल ने आज़ादी में क्या किरदार अदा किया, बस हम लोग ये जानते हैं कि वो क्या थे शायर थे। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है देखो ज़रा,
अल्लामा इकबाल डाइड इन 1938, 9 years बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, बट ही प्लेड अ मेजर रोल इन इट्स क्रिएशन बाय प्लांटिंग द सीड्स ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑन इंडिया इन पीपल्स माइंड. कायद आजम प्रेज इकबाल सो इन अ मैसेज ऑन हिज डेथ, टू मी ही वॉज अ फ्रेंड गाइड एंड अ फिलोसोफर एंड ड्यूरिंग द डार्केस्ट मोमेंट्स थ्रू विच द मुस्लिम लीग हैड टू गो थ्रू ही स्टूड लाइक अ रॉक. कह रहे हैं अल्लामा इकबाल की 1938 में डेथ हो गई थी, 9 साल पहले पाकिस्तान बने थे, लेकिन कह रहे हैं उन्होंने इसकी क्रिएशन में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था. और कह रहे हैं कि कायद आजम ने ना अल्लामा इकबाल के किरदार को यूँ सराहा कि भाई वो सिर्फ मेरे दोस्त नहीं थे, गाइड भी थे, फिलासफर भी थे, और और ऐसे मौक़ों पर जब मतलब कि बड़ी मुश्किल घड़ी थी तो उन मौक़ों पर ना अल्लामा इकबाल एक पत्थर की तरह मतलब के हो गए, मतलब कि टस से मस्ता हुए, अपनी जगह कायम हो गए. कह रहे हैं इनकी ये मिसाल थी. और क्योंकि जब अपनी जगह खड़े हो गए तो बाकियों को देखकर भी क्या आई, हिम्मत आई, बाकियों का भी हौसला बढ़ा. अल्लामा इकबाल हैड अ ग्रेट लव फॉर इस्लाम, ही ऑलवेज एडवाइज द मुस्लिम्स टू रिमेन ट्रू टू देयर फेथ. आई हैव लर्न वन लेसन फॉर द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम, एट डिफिकल्ट टाइम एट डिफिकल्ट मोमेंट्स इन देयर हिस्ट्री, इट इज इस्लाम दैट सेव मुस्लिम्स एंड नॉट द मुस्लिम दैट सेव इस्लाम. इफ टुडे यू पुट योर फेथ इन इस्लाम, यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड एंड यूनाइट वंस अगेन एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन. अल्लामा इकबाल ने भाई इस्लाम के बारे में, उनकी बड़ा बहुत प्यार मोहब्बत थी इस्लाम के बारे में, वो बड़ी अकीदत रखते थे. और कह रहे हैं उन्होंने एक बात कही थी कि देखो भाई मैंने ना अपनी लाइफ में एक बात सीखी है मुसलमानों की तारीफ पढ़ के, वो ये कि जब जब मुसलमानों में मुश्किल आई है ना तो हमेशा इस्लाम ने मुसलमानों को बचाया है, ना कि मुसलमानों ने इस्लाम को बचाया है. ठीक है ना, मतलब ये बोलना चाह रहे थे कि अगर आप इस्लाम में फॉलो करते हो तो आप नहीं भला कर रहे हो और किसी का भला नहीं कर रहे आप लोग. और उन्होंने आगे से एक बात कही कि अगर आप इस्लाम पे अपना ईमान रखें, मतलब अल्लाह पाक पे इस्लाम पे फॉलो वगैरह करें, तो वो वक्त दूर नहीं है कि हम मतलब कि तरक्की भी करें और अपने आप को तबाही से बचाने में कम्प्लीटली तौर पर कामयाब हो जाए. ठीक. अच्छा बेटा अगला क्या आ रहा है हमारे पास, देखो बेटा अब हमारे पास बेटा ये चैप्टर तो खत्म हो गया यहाँ पर, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं. अच्छा देखो बेटा हम लोग ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे नहीं करेंगे, गिनती ये करेंगे, बाकी रिमेनिंग आप खुद सॉल्व करोगे. पहला वाला आ रहा है कायद आजम फर्स्ट ज्वाइन डैश. हाँ भाई क्या आंसर है इसका बेटा, तो इधर करेक्ट आंसर इज बेटा ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है ना. अगला है कायद आजम बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन ऑफ पाकिस्तान. उन्होंने कह रहे हैं कि जो कब बने थे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी पाकिस्तान की, वो कब बने थे कायद आजम. बेटा वो बने थे 11 अगस्त. याद रखना कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको ना 14 अगस्त लगा देते हैं, ये गलत है. ठीक है. अगला है द कायद आजम मैसेज इज, ये तो आसान है बेटा आप जानते हैं कि यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन. करेक्ट. अच्छा भाई अगला क्या लिखा है हमारे पास, अल्लामा इकबाल वॉज अवॉर्डेड डिग्री बाय ऑफ पीएचडी बाय द डैश. क्या लगाओगे बेटा सोचो कौन सा करेक्ट आंसर है हमारे पास, एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी म्यूनिख यूनिवर्सिटी. अगला है इन 1930 अल्लामा इकबाल प्रेजाइडेड ओवर द डैश. क्या कहाँ गए थे भाई, तो मेरे में जो करेक्ट आंसर क्या है अलाहाबाद मीटिंग. अगला है द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज पॉज ऑन 23 मार्च डैश. की कब पास हुई थी बेटा, ये पास हुई थी हमारे पास 1940. अच्छा देखो बेटा और एमसीक्यूज रिमेनिंग होंगे आपके पास, लेकिन आपने बेटा वाले खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, हम बेटा अपने पास आगे बढ़ रहे हैं. अब देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, इसका सवाल आ रहा है व्हाट मैसेज डिड कायद आजम गिव ऑन 11 अगस्त 1947. कि भाई कायद आजम ने 11 अगस्त 1947 को क्या मैसेज दिया, तो इसका आंसर ये है, या फिर ये इस तरह से भी आता है व्हाट वाज कायद आजम विजन अबाउट द डिफरेंट कम्युनिटीज. तो देखो ये लिखा हुआ है ऑन 11 अगस्त 1947 कायद आजम ऑन हिज इलेक्शन एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर दैट. कि भाई उन्होंने ये डिक्लेयर किया, क्या लिखा हुआ देखो जरा, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस और टू योर एनी द प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन कास्ट और क्रीड, देयर इज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, यू आर स्टार्टिंग इन द डेज व्हेन देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अदर, वी आर स्टार्टिंग विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट वी आर ऑल सिटीजन एंड इक्वल सिटीजन ऑफ वन स्टेट. देखो भाई ये हमने अभी चैप्टर में पढ़ा भी है, लेकिन मैं इसको आसान लफ्जों में समझा देता हूँ. क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि आप बता दें चाहे अपने मंदिर जाइए, अपनी मस्जिद जाइए, जो भी आपकी बात करने की जगह वहाँ पर जाइए. कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका मज़हब कोई और है, अगर आपकी ज़ात कोई और है, स्किन का कलर जो भी, हम सब के सब बराबर हैं, हम सब के सब क्या करेंगे उसके मुताबिक काम वगैरह करेंगे. ठीक है, हम सबको बराबर के इक्वल राइट्स होंगे हम सब लोगों को, वो ये बोल रहे हैं. ठीक. अच्छा भाई आएगा लिखे हमारे पास, देखो ज़रा नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट द एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल. आपको अल्लामा इकबाल के एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में क्या पता है, तो लिखा भाई कि अल्लामा इकबाल आफ्टर रिसी आफ्टर रिसीविंग. अच्छा देखो बेटा यहाँ पर ना ये रिसीविंग है, मैं आपके सामने बेटा इसको जरा ठीक करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा जरा देखते रहो अपने पास. अच्छा देखो ये बोलेंगे अल्लामा इकबाल रिसीव अली एजुकेशन फ्रॉम हिज होम टाउन, लेटर ही वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर इन 1895, ही पास एमए इन 1899 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इन 1905 ही गॉट अ लॉ डिग्री फ्रॉम लंदन, इन 1908 ही वाज अवार्डेड अ पीएचडी डिग्री
फॉर हिज वर्क ऑन पर्शियन फिलोसफी फ्रॉम म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी। कह रहे हैं अलामा इकबाल ने जो अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करी थी वो कहाँ से करी, अपने जो होम टाउन था वहीं से हासिल करी। कह रहे हैं बाद में वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में गए 1895 में, उन्होंने एमए किया 1899 में, और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब उन्होंने मतलब के वहाँ पर गए, मतलब एमए किया उन्होंने 1899 में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। और बोलने पर बाद में उसके बाद 1905 में उन्होंने लॉ डिग्री पूरी कंप्लीट करी, और 1908 में उनको पीएचडी डिग्री मिली किसकी तरफ से, जो म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी की थी। आगे लिखा भाई, बहुत बहुत अल्लामा इकबाल पॉलिटिकल रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। के अल्लामा इकबाल का क्या किरदार था भाई, तो क्या लिखा भाई कि अल्लामा इकबाल ने बड़ा एक्टिवली तौर पर पार्ट लिया पॉलिटिक्स में, और उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया, और उनको प्रेसिडेंट अलेक्ट कर लिया गया पंजाब के ब्रांच और मतलब पंजाब ब्रांच का, ठीक है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। और कहते हैं उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में मतलब कि बाकायदा ये बात मेंशन भी करी कि भाई 1930 इलाहाबाद में कि वो एक अलग मुल्क चाहते हैं मुसलमानों के लिए। अलग का लिखा है देखो बेटा, व्हाई डिड अलामा इकबाल वांट अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स इंडिया। क्या अलामा इकबाल क्यों एक अलग मुल्क चाहते थे, तो बेटा क्या आंसर है इसका, कि अलामा इकबाल दरअसल चाहते थे मुसलमानों के लिए, ताकि वो चाहते थे कि भाई कि हिंदू मेजोरिटी है ना, उससे उससे ख़तरा भी है, लोगों को डर भी है उससे। और कह रहे वो चाहते थे कि भाई कि मुसलमान जो है ना खुलेआम फ्रीली होकर डेवलप कर सकें, ना कि ये कि उनके अंडर आके मुसलमान प्रॉपर्ली तौर पर डेवलप भी ना कर सकें, क्योंकि वो जानते थे कि अगर तादाद में हिंदू ज़्यादा हैं तो उनको कभी सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। आगे है, व्हाट डिड अल्लामा इकबाल से अबाउट इस्लाम इन इस्लामाबाद। के अल्लामा इकबाल ने इस्लाम के बारे में क्या कहा, तो क्या था अल्लामा इकबाल ने भाई ये बात कही कि मैंने ये हमने भी मेरे चैप्टर में भी पढ़ा है कि मैंने भाई एक चीज़ पढ़ी है मुसलमानों से, कि जब मुश्किल आती है ना भाई, तो इस्लाम ने उनको बचाया, ना कि मुसलमानों ने इस्लाम को बचाया। तो कहने इसीलिए अगर आप अपने आप को कम्प्लीटली अल्लाह के हवाले कर दो, इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दो, तो आप और भी ताकतवर हो जाओगे इंशाल्लाह, और आप क्या करोगे और भी अपने आप को तबाही से बचाने में कामयाब हो जाओगे। ठीक, आगे लिखा भाई क्या, हाउ डिड कायदे कायदे आजम प्रेस द रोल ऑफ अल्लामा। कायदे आजम ने किस तरह प्रेस किया, कह रहे कायदे आजम ने भाई इस तरह प्रेस किया उनकी डेथ पर कि वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, गाइड नहीं थे, फिलोसोफर नहीं थे, बल्कि जब ऐसे 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 मतलब वाक्यात लम्हात ऐसे आते हैं जब जब मुसलमानों को बड़ी चोट पहुंची थी, मतलब कि बड़ा झटका लगा था, तो कह रहे ये ऐसे तमाम मौक़ों में एक पत्थर की तरह सॉलिड होके खड़े हो जाते, ताकि सबके सब क्या करते हैं उनको देखकर उनको भी हिम्मत आती। आगे है, वाई वॉज कायदे आज़म कॉल्ड एन एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम। के कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर क्यों कहा जाता था। लिखा हुआ है कायदे आज़म वॉज कॉल्ड एन एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी बिकॉज ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल लीडर। के भाई वो बड़े अच्छे लीडर थे वो, और कह रहे हैं कि वो फेमस थे मुसलमानों में नहीं बल्कि दूसरे मजहब के लोगों में भी, क्योंकि उनमें टॉलरेंस ज़्यादा थी, लोगों से बर्दाश्त मतलब तो बर्दाश्त करके बात करते थे सारी की सारी चीज़ें भी, तो कह रहे हैं लोग भी उनकी इज्जत किया करते थे। बेटा विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब बेटा हम अगले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, आचार्य इनोवेशन, जो कि दरअसल असल में आपकी बुक पे ट्रांसलेशन के तौर पर लिखी हुई है, किस फॉर्म की लप्पे आती है दुआ। क्या बताओ बेटा, आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन हम पढ़ते हैं। माई लॉन्गिंग कम्स टू माई लिप्स एज एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ओ गॉड मेड मे लाइक द कैंडल विद द लाइफ ऑफ माइंड। मे द वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स डार्कनेस डिसअपीयर थ्रू द लाइफ ऑफ माइंड, एवरी मे एवरी प्लेस लाइट अप व्हेन द स्पार्कलिंग लाइट ऑफ माइंड। मे माई होमलैंड थ्रू मी यू गेन अटेन एलिगेंस, एज अ गार्डन थ्रू फ्लावर अटेन एलिगेंस। मे माई लाइफ बी लाइक दैट बी दैट मॉथ बी ओ लॉर्ड, मे आई लव द लैम्प ऑफ नॉलेज ओ लॉर्ड। अच्छा बेटा ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ज़रा देखो इसको हम ट्रांसलेट भी कर रहे हैं बेटा साथ साथ, आपको समझा भी नहीं, उन्हीं लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, कि भाई मेरी जो दुआ है वो मेरी लबों में आ रही है, मेरी लिप्स पर आ रही है, तब मेरी एक ख्वाहिश बनकर जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदा है मेरी। मतलब कि एक इट कैन बी लाइक कैंडल, लाइक मेरा वजूद ऐसा हो कि लोगों के लिए क्या करे वो रोशनी हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है बेसिकली उर्दू में, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, कि अल्लाह पाक क्या हो भाई कि मेरी ज़ात से दुनिया में जो तारीकी जो बुराइयाँ फैली वो मेरी वजह से, मतलब कि आप मुझे ऐसा बनाएं कि मैं इन चीज़ों को दूर कर सकूँ, और ये कि हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, कि अल्लाह ताला मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ वहाँ पर रोशनी फैल जाए, उजाला हो जाए, लोग खुश हो जाए। फिर क्या हो मेरे दम से यूँ ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, के अलावा क्या हो कि जैसे कि मेरे मुल्क ना उसकी एलिगेंस में और इजाफा हो मेरे होने की वजह से, जैसे कि एक गार्डन की जो असल एलिगेंस है वो किसकी वजह से होती है, वो फ्लावर्स की वजह से होती है। फिर ये है मेरा जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहम्मद या रब। के वो बोलने भाई कि अल्लाह पाक मुझे जो मतलब कि एक ऐसा हो कि एक मौत की तरह, मतलब कि वो देखा मैंने आपने कि मौत होता है वो क्या करता है, जो रोशनी के पीछे भागना 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 इस तरह से। और वो आगे से क्या बोल रहे हैं कि मेरी कह रहे हैं कि अल्लाह पाक मेरी ज़्यादा ऐसी हो कि मुझे मोहब्बत किस चीज़ से हो, नॉलेज से, मैं नॉलेज का भूखा हूँ मैं। फिर आगे लिखा हुआ है,
कि मे सपोर्टिव ऑफ माई पूर फैमिली लाइफ वे बी मे द लविंग मे द लविंग द ओल्ड द सफरिंग माई वे बी। अच्छा इसके अंदर बेटा लिखा वो अपने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, इशूर इल्म की शमा। हाँ, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़यीफ़ों से मोहब्बत करना, ठीक है ना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उसी राह पे चलाना मुझको। मतलब वही वाली बात है बेटा, जो गरीब लोग हैं अल्लाह पाक मैं क्या करूँ उनकी मदद करूँ, और जो बूढ़े जो मासूर लोग हैं उनकी मैं उस तकलीफ को समझ के उनको उसको आराम दूँ। कह रहे हैं अल्लाह पाक मुझे तमाम बुराइयों से बचाइएगा और जो सीधा रास्ता है मुझे वो दिखाइएगा। बेटा ये हमने यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन पढ़ ली, हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, आप देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास। देखते हैं, लेट्स पहले एम सी क्यू उतारे हैं, थोड़े से पढ़ेंगे बाकी नहीं मिलेंगे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अचार नोटिफिकेशन एज कम्पोज बाय, बेटा ये हमने अभी पढ़ी है, तो बेटा हम जानते हैं किसकी, अल्लामा इकबाल की है। मे माई होमलैंड थ्रू द मी थ्रू मी अटेन वॉट, क्या लगाओगे बेटा, एलिगेंस, ठीक है ना। मे आई लव द लैम्प ऑफ, ये तो आसान है बेटा, करेक्ट आंसर इज नॉलेज, करेक्ट। अगला सिनोनिम ऑफ वर्ड डिसअपियर, डिसअपियर के बेटे जो सिनोनिम मतलब के सिमिलर मीनिंग, क्या लगाओगे, वैनिश। अगला है हमारे पास सेक्शन बी आ रहा है बेटा, देखो, मे द वर्ल्ड विस डार्कनेस डिसअपियर थ्रू द लाइट ऑफ माइंड, कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है इस बात, इस लाइन से पोइट का, तो क्या लिखा हुआ है कि भाई पोइट का मतलब ये है इस लाइन से, मे द वर्ल्ड डार्कनेस डिसअपियर थ्रू द लाइफ ऑफ माइंड, के जो ये दूर दुनिया का एकदम से अंधेरा हो जाए। वो चाह रहे थे कि वो एक ऐसी सोर्स की लाइट बने कि दुनिया की जो तारीकी बुराइयां जितना की जो नेगेटिव चीजें हैं वो सब कुछ उनकी वहां होने से दूर होता जाए। मतलब इनको ये बोलने कि मैं चाहता हूँ मैं ऐसा बनूं, ये पोएट बोलना चाह रहे थे। आगे लिखा हुआ है, वॉट इज द थीम ऑफ द फॉर्म अ चाइल्ड एंड वोकेशन, कि भाई ये जो थीम है इस फॉर्म का क्या थीम है, वो ये है, द थीम ऑफ द फॉर्म अ चाइल्ड एंड वोकेशन इज दैट वट शुड मेक हिज लाइफ अ लाइट फॉर द सफरिंग एंड द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर द पुअर, ही प्रे टू बी एबल टू हेल्प द वीक एंड सफरिंग वंस। कह रहे हैं कि भाई इसका जो मैसेज है वो ये है कि चाइल्ड एंड वोकेशन का, कि एक इंसान को अपनी लाइफ ऐसी बनानी चाहिए कि दूसरों के लिए वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, चाहे जो ज़रूरतमंद हो उनको भी खुशी हो, अब आपके वजूद से लोग खुश हों ना कि परेशान हो, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हमारे पास कि वो सब बेटा वही वाली बात है कि मतलब कि हमें जो है जो गरीब हैं जो ज़रूरतमंद होंगे उनकी हेल्प करनी भी चाहिए साथ साथ। आगे क्या लिखा बेटा हमारे पास, हाउ कैन यू बिकम अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर योर होमलैंड, कि आप जो है अपने मुल्क के लिए कैसे एक कोई काम कर सकते हो कि जिसकी वजह से आपको फ़ख्र हो आपके मुल्क के लोगों पर, कि बोलने हम इस तरह बन सकते हैं भाई कि हम क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें, नॉलेज फैलाएं, लोगों की मदद करें, मुल्क के भले के लिए काम करें, तो इस तरह से हम अपने कौम के लिए एक फ़ख्र का जरिया बन सकते हैं। वाई डिड द पोएट वॉन्ट टू बी ए मौत, के जो पोएट वाला क्यों मौत बनना चाह रहे थे, क्या लिखा, मतलब तो वो इसलिए मौत बनना चाह रहे थे क्योंकि भाई मौत जो है ना, मैंने कहा ना वो किससे ओवर अट्रैक्ट होता था, लाइट की तरह, और कह रहे हैं कि पोएट चाहते थे कि वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो बट लाइट ऑफ नॉलेज, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, जो भी लोगों की परेशानियाँ बुराइयाँ उनके पास जो मौजूद हैं, बूढ़े हों परेशान हो गरीब हो कुछ भी हो, इस तरह से। आगे लिखा हुआ है, वॉट एंड हाउ शुड बी हेल्प द पुअर एंड ऑल सफरिंग वंस, कि हमें जो है गरीबों की किस तरह मदद, किस तरह और कैसे मदद करनी चाहिए। कह रहे हैं वी शुड हेल्प द पुअर, हमें मदद तो करनी चाहिए जो बूढ़े हैं जो माजूर हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उस बुढ़ापे की वजह से, उस गुर्बत की वजह से जो एक इंसान बर्दाश्त कर रहा है। कह रहे हैं कि वी मस्ट रियलाइज द पेन ऑफ अदर्स एंड ट्राई टू बेस्ट टू क्योर, कहना हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें उसको क्योर कर सकें, ठीक है। आगे का लिखा हमारे पास, देखो, इज इट नेसेसरी टू आस्क गॉड टू लीड यू टूवर्ड्स द राइट पाथ, वाई और वाई नॉट, कि क्या ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप खुदा से बोलो कि मुझे सही रास्ता दिखाएं, तो भाई हाँ ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बेटा लिखा है ना, येस इट इज़ नेसेसरी टू आस्क गॉड, क्योंकि भाई हम लोग हमारा मानना ये भी साथ साथ कि हम भला एक अच्छे सा कैसे बन सकते हैं, हमें तो अच्छे काम करने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है अच्छे काम दिखाने के लिए। आएगा लिखा हुआ, देखो अब बेटा माउंटेन एंड स्क्वायर, ये दरअसल ये भी एक ट्रांसलेशन है इसी चैप्टर में, पहाड़ और गिलहरी की, ठीक है ना। अब बेटा हमारे पास आएगा लिखा, देखो जरा, अ माउंटेन वॉज सेइंग दिस टू स्क्वायर, कमिट सुसाइड इफ यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, यू आर इनसिग्निफिकेंट स्टिल सो एरोगेंट, हाउ स्ट्रेंज, यू आर नाइदर वाइज नॉर इंटेलिजेंट नॉट इवन अ श्रूड, इट इज स्ट्रेंज वेन द इनसिग्निफिकेंट पोज एज इंपॉर्टेंट, वैन द स्टूपिड वंस लाइक यू पोज एज इंटेलिजेंट, यू आर नो मच इन कंपेरिजन विद माई स्प्लेंडर, इवन द अर्थ इज लो कम्पेयर टू माई स्प्लेंडर, द ग्रैंडर ऑफ माइंड डज नॉट फॉल टू योर लॉट, द पुअर एनिमल कैन नॉट इक्वल द ग्रेट माउंटेन। अच्छा बेटा हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास देखो ये ना दो कैरेक्टर्स के बीच में बताई जा रही है, अल्लामा इकबाल ने क्या किया कि दो कैरेक्टर्स के बीच में ना कॉन्वर्सेशन, अच्छा कैरेक्टर्स भी बड़े यूनिक, एक पहाड़ है और एक गुलहरी है, तो पहाड़ ना पहले गुलहरी से क्या बोल रहा है कि भाई तुम्हें ना मर जाना चाहिए कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और उसके बावजूद इतनी अकड़ इतना घमंड तुम्हें अपने स्किल्स वगैरह पर,
और बोलने भाई तुम्हें जो है ना इस बात का लास्ट में ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है, तुम एक बेवकूफ हो, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, मेरा मेरा साइज देखो, मेरी हाइट देखो, मैं कहाँ से कहाँ निकल आऊँ, तुम तो कुछ कर भी नहीं सकते ना, तुम कुछ कोई काम कर सकते हो, मतलब वो ये इस तरह ना बीइंग वो नहीं बोलते, एक तरह से जो प्राइड होता है लोगों को, गुरूर होता है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था वो। लेकिन देखते हैं इसके जवाब में स्क्वायरल ने क्या कहा भाई, लेट्स सी। ऑन हियरिंग दिस स्क्वायरल सेड, होल्ड योर टंग, दीज आर इमेच्योर थॉट्स, एक्सपेल देम फ्रॉम योर हार्ट, आई डू नॉट केयर इफ आई एम नॉट लार्ज लाइक यू, यू आर नॉट अ लिटिल थिंग लाइक मी, एवरीथिंग शोज द ऑमनीपोटेंस ऑफ गॉड, सम लार्ज सम स्मॉल इज द विजडम ऑफ गॉड, ही हैज क्रिएटेड यू लार्ज इन द वर्ल्ड एंड ही हैज टॉट मी इन द क्लाइम लार्ज ट्रीज, यू आर अनएबल टू वॉक अ सिंगल स्टेप, ओनली लार्ज साइज, वॉट अदर ग्रेटनेस यू हैव यू, इफ यू आर सो लार्ज शो मी सम ऑफ द स्किल्स आई हैव, शो मी हाउ यू ब्रेक दिस बीटल एंड नट एज आई कैन, नथिंग इज इन द इज यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज बैड इन गॉड्स क्रिएशन। अब वो बेरा गुलेरी क्या बोलती है कि भाई अपनी जबान को लगाम दो, तुम जो सोच रहे हो ये बच्चों वाली सोच है। कह रहे हैं कि वो आगे से क्या बोलती है गुलेरी, कहते हैं मुझे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ, कह रहे हैं मेरे लिए तो ये है मैं कि तुम मेरी तरह छोटे नहीं हो, क्योंकि हर किसी चीज़ में आपको खुदा की अल्लाह की आपको रहमत दिखेगी, आपको प्रॉपरली तौर पर मतलब वो चीज़ नज़र आएगी, अगर आप वो नज़र रखते हो, अगर आप उस नज़र से देखना चाह रहे हो तो, वरना नहीं। कह रहे हैं कि इस दुनिया बनाई, कह रहे हैं कि ऊपर से मुझे दरख्तों में चढ़ना सिखाया, पर आगे से गुजारी क्या बोलती है कि तुम तो चल भी नहीं सकते, बस साइज बड़ा, और क्या क्वालिटी तुम्हारे अंदर, एक यही तो क्वालिटी है और क्या क्वालिटी है। और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ कि अगर मैंने तुमको ये बताना शुरू हो गई, गुजारी बोलती कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या तो तुम एक बार बताओ, क्या तुम जो है इस बीटल नट को तोड़ सकते हो, तो वही वाली बात बेटा जो क्या कहते हैं वो नहीं है, और बस सर्दियों में जो बेटा मूंगफली वगैरह होती है उससे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आगे से वो क्या बोल रही कि कुछ भी बेकार नहीं है रब की दुनिया में, कुछ भी जो उन्होंने बनाया वो ऐसा नहीं है कि गलत बना दिया, सही बनाया। बेटा पहले एम सी को देखते हैं, थोड़ा थोड़े से क्या लिखा हमारे पास, चाहिए ज़रा थोड़ा सा बेटा हमारे पास ज़रा ऊपर नीचे हो गया कि माई मिस्टेक, ठीक है। तो मैं खैर बताया था, खैर भाई माउंट एंड स्क्वायर इज कम्पोज बाय अल्लामा इकबाल ने कम्पोज करी है, और कह रहे हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो बोले थे ना, ही हैज टॉट मी क्लाइंबिंग ट्रीज, बेटा ऑब्वियसली बात है ये गुलेरी बोल रही थी, तो किसके बारे में बोल रही थी, किसने सिखाया था, गॉड ने सिखाया था। द माउंटेन सेड टू द स्क्वायरल, कम इन सोसाइटी इफ यू हैव, तो माउंटेन क्या बोलता है उसको, तो क्या करो तुम, क्या करो मर जाओ अगर तुम्हारे अंदर क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट है। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या बेटा, अन इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट ना हो। अच्छा आगे लिखा है सेक्शन बी का देखो तरह, वाई डिड द माउंटेन टेल द स्क्वायरल टू कमिट सुसाइड, के माउंटेन ने स्क्वायरल को क्यों कहा कि तुम मर जाओ, तो भाई माउंटेन ने स्क्वायरल को इसलिए कहा क्योंकि माउंटेन जो है ना मतलब बहुत अपने बड़ा गुरूर था उसको अपने एग्जिस्टेंस के, मैं इतना बड़ा, मैं इतना, मेरे साथ इतना बड़ा, बोलने कि ये ना स्क्वेल का मजाक उड़ा रहा था, और ये बोल रहा था आगे से क्या कि तुम कुछ भी नहीं सकते, तुम छोटे, तुम्हारा बस क्या है इतनी छोटी सी मखलूक को तुम क्या कर सकते हो, ठीक। आगे लिखा हुआ क्या, हाउ डिड द स्क्वेल रिस्पॉन्ड द माउंटेन, व्हेन द स्क्वेल हैड दोज वर्ड ऑफ माउंटेन इज रिस्पॉन्डेड, कि भाई उसने जब ये बात सुनी उसने क्या कहा स्क्वेल ने, दीज आर स्मॉल एंड क्रूड थिंग्स, गेट देम आउट ऑफ योर माइंड, इफ यू आर बिग इट्स नॉट, इट्स इट इज नॉट योर परफेक्शन, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज यूजलेस, देयर मस्ट बी पर्पज टू द क्रिएशन ऑफ एवरी थिंग। कह रहे हैं कि जब 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 इस तरह से ये कही ना, जब स्क्वायरल ने बात करी ये सुना उसने माउंटेन वगैरह को, उसने रिस्पॉन्ड किया कि भाई चीज़ें छोटी भी होती हैं बड़ी भी होती हैं, तो ये चीज़ अपने ध्यान से निकाल दो कि अगर तुम बड़े हो तो तुम बेहतर हो, इसका हर किसी का मतलब नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं है, हर किसी चीज़ का एक अलग अलग अपना रिएक्शन है। आएगा लिखे हमारे पास देखो, वॉट डिड द माउंटेन से इन इज ग्रेटनेस, कि माउंटेन ने अपनी ग्रेटनेस में क्या कहा इसके अलावा, ठीक है ना। आगे लिखे हमारे पास क्या, द माउंटेन सेड यू आर इनसिग्निफिकेंट, कांट इवन द अर्थ हैज नो स्टेटस इफ इट इज कम्पेयर्ड विद मी, ऑल ऑफ दिस इंडिकेट्स दैट द ग्लोरी ऑफ गॉड विच गेव यू द अपॉर्चुनिटी टू लीश अनरियल थिंग्स। क्या माउंटेन ने क्या कहा भाई, कि उसको बोल रहा था ना ग्लोरी को कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी क्या औकात है, कोई स्टेटस नहीं है, और अगर कह रहे मुझसे कंपेयर करो तो तुम तो कुछ भी नहीं हो, और कह रहे थे कि अगर इन तमाम बातों की तरफ देखा जाए तो इशारा किया जा रहा है इसमें बकायदा किसकी तरह, खुदा की तरफ, खुदा ने बनाया ना पूरा, अल्लाह पाक ने बनाया कि ये अपॉर्चुनिटी वगैरह अनरियल थिंग्स की, वॉट शोज गॉड्स पावर, कि गॉड की पावर क्या बेटा, ये तो खैर हम जवाब नहीं दे सकते ऑब्वियसली बात है, लेकिन हम पोम के मुताबिक लिखेंगे, गॉड्स पावर इज रिवील्ड बाय लुकिंग एट द बिग बिग एंड स्मॉल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, गॉड बाय हिज विजडम हैज मेड सम स्मॉल एंड सम ग्रेट। भाई क्या लिखा है हमारे पास कि अगर आप नज़र दौड़ाओ ना तो आपको आइडिया हो कि दुनिया में अलग अलग चीज़ें मौजूद है, और आपको आइडिया होगा कि अल्लाह पाक ने कुछ चीज़ों को बड़ा बनाया, कुछ को छोटा बनाया, कुछ बहुत चला के हैं, कुछ कम चला के बेटा, तो इट्स क्वाइट ओके। अगला क्या लिखा हुआ है, व्हाट कैन अ स्क्वायरल डू दैट कैन नॉट बी डन बाय अ माउंटेन,
कि ऐसा क्या काम कर सकती है गुलहरी जो कि पहाड़ नहीं कर सकता। तो बेटा वो क्या लिखा हुआ है, अपने दांत संभाल करना, तोड़ना जो नट्स वगैरह लेकर आए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। कह रहे माउंटेन कुछ भी नहीं कर सकता, माउंटेन एक जगह बहुत बड़ा ज़रूर है लेकिन एक जगह पे स्टिल खड़ा हुआ है कुछ भी नहीं कर सकता। एंड बेटा विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्ली समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।